नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लोकल टीवी और लोकल टीवी के साथ जून के कुछ खास समाचारों में आप सबका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के सुर्खियों से। आदिलाबाद लोकसभा का नतीजा, सिरपुर का वोटिंग पैटर्न, फिर खराब हुआ रेलवे फाटक, कुत्तों के हमले की जानकारी, बिजली विभाग के खिलाफ रोष। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। वोटिंग हो गई, 4 तारीख को नतीजे भी आ गए, लेकिन हमारे वोट का क्या हुआ? आइए देखते हैं सिरपुर तालुके के वोटिंग पैटर्न को। ये फॉर्म 20 है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन वाले नतीजे लिखते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम लिखा है बीआरएस पार्टी के आत्राम सकू का। उन्हें हमारे तालुके से कुल 19,840 वोट ही मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार आत्राम सुगुना को 62,956 वोट मिले। तीसरे नंबर पर नाम लिखा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोदाम नगेश का। बीजेपी को सिरपुर तालुके से कुल 71,325 वोट मिले। हमारे सिरपुर तालुके में कोनेरू कोनप्पा ने जैसे ही बीआरएस पार्टी छोड़ी तभी से बीआरएस कमजोर हो गई। बीआरएस के सारे वोट कांग्रेस की ओर चले गए। 8,000 वोट बढ़ाते हुए बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन की तरह ही इस बार भी लीड हासिल करते हुए अपना जनाधार बढ़ाया है। बात करें कागज नगर रूरल मंडल की, तो इस मंडल में भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट मिले हैं। 8,582 वोटों की लीड के साथ इस मंडल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दी। वहीं कागज नगर शहर में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता दिखाई दिया। शहर कागज नगर में करीब 1400 वोटों के साथ कांग्रेस आगे रही। सिरपुर मंडल में बीजेपी और कांग्रेस की अच्छी टक्कर देखने को मिली, जहां मात्र 205 वोटों की लीड के साथ कांग्रेस आगे निकलती दिखाई दी। कोटाला मंडल में एक मुश्त दलित वोटों की सहायता से कांग्रेस को 1,461 वोटों की बढ़त मिली। मानेपल्ली मंडल में भी भाजपा का जलवा देखने को मिला। यहां बीजेपी को 1,617 वोटों की बढ़त मिली। बात करें बिजूर की, तो यहां भी कांग्रेस भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस ने 344 वोटों की मामूली बढ़त ने बीजेपी को पीछे कर दिया। पेंची कलपेट मंडल में भी एल्लूर, एलकापल्ली, लोटपल्ली और बेम्बिगुड़ा के दलित वोटरों ने कांग्रेस को 919 वोटों की बढ़त दिलाई। आखिर में दहेगांव मंडल में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता दिखाई दिया। करीब 2,500 वोटों की बढ़त ने यहां बीजेपी को कड़क बहुमत दिलाई। बात करें बंगाली वोटों की, तो हमारे मित्र श्री समरेश हल्दर ने इस चार्ट को तैयार किया है, जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि बंगाली समाज ने 11,186 वोट बीजेपी के पक्ष में डाले। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 687 बंगाली वोटरों के वोट मिले। 155 वोट बंगालियों की ओर बीआरएस पार्टी को मिले। तो ये थी सिरपुर तालुके में हुई पार्लियामेंट चुनावों की जानकारी। अब बात करते हैं पूरे आदिलाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट की। जैसे कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। लगातार इस बार भी आदिलाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट बीजेपी का गढ़ साबित हुआ। बीजेपी का प्रभाव बीआरएस और कांग्रेस से भी ज़्यादा हावी दिखाई दिया। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। आगामी स्थानीय चुनाव के पहले बीजेपी के कैडर में भारी जोश देखने को मिल रहा है। पूरे पार्लियामेंट सेगमेंट में 16,50,175 वोटर हैं, जिनमें से सिर्फ 12,35,597 वोटरों ने ही वोट डाले, या फिर कहिए सिर्फ 74% की वोटिंग हुई। बीजेपी के उम्मीदवार गोदाम नगेश ने 5,68,168 वोट्स हासिल किए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार आतराम सुगुना को 4,77,516 वोट मिले। बात करें बीआरएस पार्टी को, तो इस बार बीआरएस ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है। सिर्फ 1,37,300 वोट ही बीआरएस के पक्ष में आए। भारतीय जनता पार्टी के गोदाम नगेश ने 90,6652 वोटों की लीड से कांग्रेस को आदिलाबाद सेगमेंट में करारी शिकस्त दी। सिरपुर का रेलवे फाटक अब अपने आखिरी कगार पर है। जी हाँ, कल फाटक फिर से एकाएक खराब हो गया। कई घंटों तक खराब रहने के कारण फाटक के आसपास
बेहद भीड़ जमा हो गई। लोग गर्मी में परेशान होते दिखाई दिए। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाए ताकि इस फाटक के चक्कर से उन्हें मुक्ति मिले। फ्लाईओवर के बनने में हो रही देरी से कई लोगों को आपत्ति हो रही है। लोग अब प्रशासन और विधायक हरीश बाबू पर सवाल उठाने लगे हैं। शहर कागज नगर में आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लगभग हर दिन रोड छाप कुत्ते किसी न किसी पर आए दिन हमला कर रहे हैं। बात करें 2019 की तो कुल 3048 लोगों पर कुत्तों ने हमला कर दिया। 2020 में ये संख्या कम तो हुई मगर 2460 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। 2021 में ये संख्या और भी कम होकर 2168 हो गई। 2022 में कुत्तों ने 1685 लोगों को काटा। अचानक 2023 में ये संख्या बढ़ गई, करीब 2277 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। और 2024 में अभी तक यानी पिछले 5 महीनों में 450 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। ये आंकड़े पूरे कुमरम भीम ज़िले के हैं। इसमें कागज नगर, बंगाली विलेज और आस पड़ोस के सभी गाँव के नंबर भी जुड़े हैं। दोस्तों, कुत्तों का काटना बेहद दर्दनाक होता है, साथ ही कुत्ते आए दिन रास्ते पर लोगों को दौड़ाते रहते हैं। इससे भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। कुत्तों का दौड़ाना बेहद भयावह होता है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। सर सर, भाग पीपल के पत्ते हिल रहे हैं। काट काट जल्दी लाइट काट। क्यों, हंसी आ गई ना इस वीडियो को देखकर? शायद ऐसा ही होता होगा बिजली विभाग में। हवा चली नहीं कि बिजली कट। इतनी बिजली कटिंग के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग तो इतना परेशान हुए कि उन्होंने रास्ते पर बैठकर बिजली विभाग का विरोध शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आप ही बताइए इस भारी बिजली कटिंग का क्या उपाय है? क्या सच में ऐसी बिजली जा रही है या फिर किसी के कहने पर जानबूझकर बिजली बार बार काट कर लोगों को परेशान किया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नए खबरों के साथ नए वीडियो में। देखते रहिए लोकल टीवी। नमस्कार।